लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कोई फायदा नहीं, जितना उलझने की कोशिश करोगे आप लोग उतने ही उलझते रहोगे। सच्चाई यह है कि मान लीजिए यही हारिस है। चुप रहो ना मकराम, हमारे साथ गद्दारी कर रहा हूं। कल तक तो वफादारी की बातें करते थे और आज हमारे खिलाफ बोल रहे हो। अरे क्यों नहीं बोलेगा ये? उस धोखेबाज ने इसके ईमान पर रुपयों का वजन रख दिया है, इसलिए अपने जमीर को बेच दिया है इसने। देखिए मैम साहब, ना ही मेरा जमीर मरा है और ना ही मैंने अपने ईमान का सौदा किया है। नमक हलाली का सबूत दे रहा हूं मैं। अली यावर साहब का बेटा होने के नाते इस प्रॉपर्टी में पूरा हक है उनका। तुम्हें कैसे यकीन है कि हारिस अली यावर जंग का बेटा है? तो आप भी उनके सगे बेटे नहीं हो क्या? बकवास कर रहे हो तुम? अपने मालिक से इस तरह से बात की जाती है? माफ करना मैडम, मेरा पहला मालिक अल्लाह ताला है और दूसरा मालिक हरीस साहब है। वो हारिस नहीं है। अगर वो हरीस साहब नहीं है तो ये भी अली साहब के बेटे नहीं है। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? सारी दुनिया जानती है कि मैं अली यावर जंग का बेटा हूँ। तुम हंस क्यों रहे हो? ये सुनकर कि आप अली साहब के बेटे हो। क्यों, इसमें हंसने की क्या बात है? क्या ये झूठ बोल रहे हैं? झूठ क्या है, सच क्या है, ये तो यही बता सकते हैं कि इनके रगों में किन का खून दौड़ रहा है। अली यावर साहब का या बशीरा का? मेरे खिलाफ बात करता है हरामखोर। मैंने तो सिर्फ जबान चलाई है, आपने तो हाथ चला दिया। पता है अगर हरीश साहब को मालूम पड़ेगा तो क्या होगा? अरे क्या कर लेगा वो, उसकी औकात ही क्या है? हरीश भाईजान के हमशक्ल होने का फायदा उठा रहा है वो कमीना कुत्ता। साहब हरीश भाई को गाली मत पकिए, वरना खड़े खड़े बेइज्जत कर दूंगा। मुझे बेइज्जत करेगा? हरामजादे, क्या औकात है ये? छोड़ दो, ये तो पागल है, जाने दो तुम। चलो यहाँ से। कर बीवी का चाय कड़ी हुई लग रही ना बशीरा का बेटा? मैं यही चाहता था कि आप मुझे मारो और मैं आपको फंसा दूं। अरे छोड़ दो मुझे, सब मुझे मार डालेंगे, सब मुझे मार डालेंगे, आप जल्दी आ जाओ, सब तार सब मुझे मार डालेंगे, मुझे बचाओ, साहब मुझे बचा लो आकर, साहब मुझे मार देंगे, साहब आ आ आ साहब जल्दी आ जाओ साहब। हाँ भाई का मजा। Thank you.
जिंदगी में कभी हम अलग हो गए और तुम्हें जिंदगी की सारी खुशियां मिल गई, तभी क्या तुम मुझे याद करोगे? रूही, जिंदगी में अगर हम जुदा हो गए तो याद रखने की नौबत आएगी ना, वरना नहीं। फिर भी ताहा, पता नहीं क्यों हमारे इतने दुश्मन पैदा हो गए हैं कि मुझे पूरे वक्त यही डर लगता रहता है कि कहीं कोई तुम्हें मुझसे अलग ना कर दे। नहीं रूही, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, हम दोनों के नाम हमारी तकदीरों में लिखे गए हैं। फिर भी ताहा, ओफो रूही, हम यहाँ प्यार मोहब्बत की बातें करना है और तुम होके जुदाई की बातें लेके बैठी हो, वेरी बैड। ताहा, अल्लाह ने मुझे अमीर घराने में पैदा किया है, अपने अब्बू की इकलौती और लाडली बेटी हूँ मैं, वो हमेशा यही कोशिश करते हैं कि वो मुझे दुनिया की सारी खुशियाँ ला के दे दें, पर पता नहीं क्यों कोई ना कोई रुकावट मेरी खुशियों को मेरी तकदीर से दूर ले जाती है। मेरी खुशियाँ जैसे दरवाजे पे आकर फिर लौट जाती हैं। आखिर तुम्हें किस चीज की कमी है रुईस? ताहा, दौलत से खुशियाँ नहीं जरूरतें खरीदी जाती हैं, और मैं खुशियों की तलाश में हूँ, इसीलिए मुझे डर लगता है कि कहीं कोई तुम्हें मुझसे छीन ना ले, क्योंकि तुम मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी खुशी। हेलो, क्या कर रहे हो? किसको याद कर रहे हो? हेलो हेलो हेलो, बेखबर मेरी तकदीर है तू प्यारे। साहब, आप, मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा हूँ? अरे भाई, मैं हकीकत में तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। साहब, आपको यहाँ देखकर मुझे इतनी खुशी मिल रही कि मैं बता नहीं सकता, लेकिन तुम्हारा चेहरा देखकर मैं बता सकता हूँ कि रूबी और ताहा कहाँ है। जी, वो अपने कमरे में। ताहा, जुबी। अरे बड़े अबू, आप बड़े अबू, आप अचानक? हाँ भाई, मैं
मैं वापस लौट आया हूँ मेरे बच्चों। दरअसल मैं जिंदगी से बहुत तंग आ गया था, सोचा सब कुछ छोड़कर किसी ऐसी जगह चला जाऊं जहां कोई अपना ना हो, अपना पहचानने वाला ना हो। लेकिन बाद में मुझे इस बात का एहसास हुआ कि अपनों से दूर रहकर घर की क्या कीमत है। बड़े अबू, आप तो हमें बेसहारा छोड़ के चले गए। बेटे तुम्हें सहारे की क्या जरूरत? अब सहारे की तो मुझे तुम लोगों की जरूरत है। बूढ़ा हो चुका हूं, पता नहीं कब क्या हो जाए। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं बड़े अबू? किसने कहा कि आप बूढ़े हो गए हैं? मैम सब ठीक कह रही, आप जवान वाले बूढ़े हो। क्या? मेरा मतलब है जो बूढ़े में सबसे जवान होता ना वो। बड़े अबू, आपके बगैर ये घर एकदम सूना लग रहा था। हाँ बड़े अबू, इनफैक्ट ऐसा लगता था मानो हमारे घर से रौनक ही चली गई है। मुझे तो सबसे ज्यादा आपकी कमी महसूस होती थी। वो कैसे? घर में सारा दिन अकेला रहता था ना। बड़े अबू आपको बहुत इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि यहाँ सब खैरियत। हाँ बड़े अबू सब ठीक तो है, लेकिन आपके जाने के बाद इस घर में एक गलतफहमी हो गई। गलतफहमी? कैसी गलतफहमी? वो दरअसल वो मैं हूं। ये कौन है? ओह तो आप भी इन सब से मिल गए हैं। मिले हुए हैं मतलब? जी हाँ मिले हुए हैं। ये सब तो लालची हैं, इसीलिए मुझे पहचानने से इनकार कर रहे हैं। लगता है आपको भी कोई लालच है, इसीलिए आप ये मानने से इनकार करते हैं कि मैं ही हारिस हूं। ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? जिस चांद को इंसान जमीन पर बैठकर देखता है, उसे सराहता है, जब वो वहां पहुंच सकता है तो मेरा हारिस होना तो बहुत ही मामूली बात है। तुम हारिस हो ही नहीं सकते हो। डर रहे हैं ना आप? आप सबको डर है कि मैं आपकी असलियत दुनिया के सामने लेकर आऊंगा। चेहरा बदल कर तो तुमने दुनिया को धोखा दिया है। आप लोगों में से सच्चा कौन है? निकल जाओ यहां से। देखिए चिल्लाइए, चिल्लाने से आप सच को झूठ साबित नहीं करते। सहाय से धक्के मार के यहां से निकाल दो। तुम लोगों में इतनी हिम्मत है? हाँ? इतनी हिम्मत है तुम लोगों में जो मुझे धक्के मार के यहां से बाहर निकालोगे? कब आया और तुम लोगों ने इसे घर में घुसने कैसे दिया? बड़े अबू जब ये यहां आया था तो मैं मीटिंग के लिए बाहर गया हुआ था, और जब मैं आया तो मैं देखा कि ये मालिक बनकर बैठा हुआ है। तुमने नहीं रोका इसे? मैं क्या करती, मैं उस वक्त घर पे नहीं थी बड़े अबू। इस घर में उस वक्त सिर्फ प्यारे था। प्यारे? ऐसे तुम्हारी जुबान बहुत चलती है, लेकिन तुमने इस शख्स को अंदर आने कैसे दिया? साहब मैं ठहरा नौकर आदमी, वो आंधी की तरह है। सुनो कौन हो आप, किससे मिलना है? इस तरह क्या देख रहे हैं? मैं आपका चेहरा पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यों, तो मुझे नहीं पहचानता है?
तुझे तो मैं पहचानता हूँ, तेरा नाम प्यार है, तू इस घर का नौकर है ना? हाँ पहचान लिया, आपका इस घर में फोटो। अच्छी याददाश्त है तेरी, अच्छी याददाश्त है। कब से काम कर रहा है यहाँ पे? साहब काफी वक्त तो हुआ नहीं, लेकिन लोग कहते हैं कि आप मर चुका हूँ। जी हाँ। एक बात बता प्यारे, अगर मैं वाकई मर चुका हूँ तो यहाँ तेरे सामने कौन खड़ा? आपकी शक्ल हारिस साहब से बहुत मिलती है। बेवकूफ, मैं ही हारिस हूँ। कहने लगे मैं तुम्हारा मालिक हूँ, मैंने कहा कुछ नहीं कहा, चुप हो गया मैं। साहब तुमने पुलिस से मदद क्यों नहीं ली? हमने पुलिस को सारी बातें बताई लेकिन कोई फायदा नहीं। हाँ बड़े अबू, पुलिस वाले भी इनके साथ हैं। क्या? या बड़े अबू, वो उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे। एक मिनट। हेलो। हाँ मैं चौधरी बोल रहा हूँ। हाँ चौधरी साहब आप आ गए। मैं अपनों से ज्यादा दिन दूर नहीं रह सकता। अच्छा कि आपने फोन कर लिया, आपके एरिया में काम है, वक्त हुआ तो मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगा। वक्त रहा तो नहीं, मेरा आपसे मिलना बहुत जरूरी है। कोई खास वजह? आप अच्छी तरह से जानते हैं। मैं समझा नहीं। मेरे घर में एक बदमाश घुस आया है और आपने उसके खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। ओहो, जिसे आप बदमाश कह रहे हैं चौधरी साहब, वो अपने आप को हारिस कहता है। इंस्पेक्टर साहब, हारिस मर चुका है और ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। आप सही कह रहे हैं, लेकिन उसका कहना है कि वो हारिस ही है और वो ये दावा करता है कि वो अपने आप को हारिस साबित करके रहेगा। अरे इंस्पेक्टर साहब, मैं ये साबित कर सकता हूँ कि वो हारिस नहीं है। अगर आप ये करने में कामयाब हो गए तो हमारी टेंशन भी दूर हो जाएगी। आप जल्दी से यहाँ आइए और उसे बाहर निकाल कर फेंक दीजिए।